हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस सर फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं EFF फीफा एकेडमी के बारे में। तो काफ़ी सारे फैंस जानना चाहते हैं कि भाई करंट स्टेटस इसका क्या है, क्या इसमें प्लेयरों को ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो जी हाँ गाइस, रिसेंटली फीफा के स्काउट्स के द्वारा ऑल ओवर द इंडिया से काफ़ी सारे प्लेयरों को फेजेस में स्काउटिंग करके यहाँ पे जो फाइनल प्लेयरों का सिलेक्शन है वो अंडर 13 एंड 15 कैटेगरी में हो चुका है। जिसमें अगर हम अंडर 15 कैटेगरी की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया से प्लेयर जो स्काउट किए गए उसमें से फाइनल 20 प्लेयर को उन्होंने सिलेक्ट किया है। एंड उसके अगर आप स्टेट वाइज नंबर देखेंगे तो आपको शौक लगेगा। इस 20 प्लेयर में से 12 प्लेयर मणिपुर से हैं, 6 प्लेयर मिजोरम, यानी कि 20 में से 18 प्लेयर आपके सिर्फ ये दो स्टेट से हैं। एक आसाम से प्लेयर है एंड एक आपका जम्मू कश्मीर से। आसाम से रेहान अहमद करके कुछ 14 साल का स्ट्राइकर है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसिंग बताया जा रहा है। बट आप स्टेट वाइज नंबर देख लीजिए, 9 प्लेयर फ्रॉम कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल, 9 प्लेयर फ्रॉम केरला। दैट्स अ शॉकिंग गाइस। एंड ये स्काउटिंग भी फीफा ने पूरे अपने हिसाब से की है, क्योंकि पहले जो EFF ने स्काउट किए थे उनको तो इन्होंने लास्ट ईयर ही रिजेक्ट कर दिया था उन प्लेयरों को। सो आई थिंक दैट्स द शॉकिंग नंबर। बट ये जो 20 प्लेयर है अंडर 15 कैटेगरी के, इनको 2027 का जो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप है उनके लिए प्रिपेयर किया जाएगा, क्योंकि ये सारे 14 साल के बच्चे हैं, प्लेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली 3 साल में वो यहाँ पे अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए एलिजिबल भी होंगे। सो लेट्स सी आगे इन प्लेयरों का किस तरह से प्रोग्रेस होता है और इसमें से क्या कोई हमें फ्यूचर इंडियन स्टार मिलता है कि नहीं मिलता। आई थिंक दैट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी। लेट मी नो गाइस आपका क्या ओपिनियन है और आपको ये नंबर देख के कितना, मतलब क्या बोलते हैं कि सरप्राइज या फिर शॉक लगा, वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं AFC चैंपियंस लीग 2 के बारे में। तो उनके पोर्ट्स यहाँ पे आउट हो चुके हैं एंड मोहन बगान को पोर्ट 3 में जगह मिली है। पोर्ट 1 में AFC चैंपियंस लीग का जो एलिट लेवल है उसमें से दो टीमें जो प्रिलिमिनरी राउंड क्वालिफाई नहीं कर पाएगी ग्रुप स्टेजेस के लिए, फाइनल स्टेजेस के, वो टीमें यहाँ पे आ जाएगी। तो पोर्ट 1 में दो टीमें वो ऐड होगी एंड पोर्ट 4 में जो अभी ईस्ट बंगाल जो ACL 2 के लिए प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन राउंड खेलने वाले हैं वो अगर वहाँ पे जीतते हैं तो ईस्ट बंगाल को पोर्ट 4 में रखा जाएगा। सो मोहन बगान के लिए थोड़ा सा टफ ग्रुप होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 से थोड़ी सी टफ टीमें होंगी। एंड ACL 2 का अगर आप लेवल देखें तो जो आपका AFC कप होता था उससे डेफिनेटली हायर है एंड आपका जो पहले AFC चैंपियंस लीग होता था उससे थोड़ा सा लोअर है। तो इन बिटवीन आपके जो प्रीवियसली AFC के टूर्नामेंट होते थे उस हिसाब से देखें तो AFC कप से डेफिनेटली थोड़ा सा टफ आपको यहाँ पे चैलेंज देखने को मिलेगा। तो दोनों कोलकाता जायंट्स के लिए यहाँ पे टफ चैलेंज होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। एंड लेट्स सी कैन दे क्वालिफाई फॉर दी नॉकआउट। आई थिंक वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मोहन बगान के ऊपर एक प्रेशर भी रहेगा, काफ़ी लंबे टाइम से वो AFC कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं बट उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। एंड टीम भी आप देखिए, इस बार भी उन्होंने फिर से मार्की साइनिंग्स करके एक बेहतरीन टीम बनाई है। सो किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रहती है, ईस्ट बंगाल ने भी काफ़ी सारा खर्चा किया है सो उनकी भी कैसी परफॉर्मेंस रहती है, आई थिंक इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। एंड फाइनल जो ग्रुप के ड्रॉज है वो आफ्टर जो ईस्ट बंगाल का 14 तारीख को मैच है उसके बाद यहाँ पे होगा। तो उसमें भी देखते हैं कि कौन कौन सी स्पोर्ट में से मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल अगर क्वालिफाई करता है तो उनको कौन कौन सी टीमें मिलती है, दैट वुड बी ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू सी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट जन कप के बारे में, जो कि आज से आगाज होने जा रहा है UK में। एंड इंडिया से ऑब्वियसली 3 क्लब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 50 मिनट्स के मैचेस होंगे क्योंकि आप लगातार 4 दिन खेल रहे हो, एक भी दिन का ब्रेक नहीं है। सो हमारे जो तीनों क्लब के प्लेयर्स हैं उनको लगातार मैचेस खेलने हैं एंड इसीलिए जो फॉर्मेट है वो इस तरह से रखा गया है कि भाई 50 मिनट के ही मैचेस होंगे, 90 मिनट के मैचेस नहीं होंगे। 25 मिनट का एक हाफ होगा, 25 मिनट का दूसरा हाफ होगा। इंडिया से जो सब क्लब गए हैं उनकी अंडर 21 प्लस 2-3 आपके अंडर 23 के भी प्लेयर उन्होंने इंक्लूड किया गया है, इस तरह से उनका कॉम्बिनेशन, टीम कॉम्बिनेशन। अगर हम क्या प्रीमियर लीग के जो क्लब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एवर्टन, एस्टन विला, स्पर्स एंड वो सब, तो उनके में भी आपको अंडर 19, अंडर 20 इस टाइप की टीमें देखने को मिल जाएगी। एंड इसको आप देख सकते हो रिलायंस फाउंडेशन का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप इसको फ्री में लाइव में देख सकते हैं। तो लेट्स सी किस तरह के जो इंडियन क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ईस्ट बंगाल, पंजाब FC, मुथूट FA, उनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है इस नेक्स्ट जन कप में और क्या कोई स्टार हमें इस टूर्नामेंट से मिलता है इंडिया के लिए एंड ISL के लिए, तो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। लेट मी नो गाइस आप कितने एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। अब बात करते हैं दुरांत कप के बारे में। तो कल दो इंटरेस्टिंग मैच हुए। पहले मैच में भाई चेन्नई FC को इंडियन आर्मी ने 1-0 से हरा दिया एंड दैट्स दी सरप्राइजिंग रिजल्ट, बिकॉज चेन्नई FC की बी टीम खेल रही थी, सिवाय फॉरेनर्स उनके जो काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर थे कि जो ISL में यहाँ पे इस सीजन बेंच पे रहने वाले हैं, तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल उनकी यंग टीम खेल रही थी। एंड इंडियन आर्मी ने भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और उनको भाई सरप्राइजिंगली 1-0 से हरा दिया। तो दैट्स अ शॉकिंग रिजल्ट, बट दैट ऑल्सो शोज कि भाई आपके जो
सेमी प्रोफेशनल या फिर आप एमेचर प्लेयर है वो आपके प्रोफेशनल प्लेयरों को भी आप देखिए जिस तरह से हरा रहे हैं, तो आपकी जो क्वालिटी है उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं ओवरऑल लैक है। स्काउटिंग की बजाय आई वुड से कि ओवरऑल क्वालिटी जो हमारी है वो उस लेवल की अभी भी नहीं है। दूसरे मैच में बीएफसी ने भाई अपने जो कैंपेन की है वो एक धमाकेदार शुरुआत की है एंड 4-0 से भाई इंडियन नेवी को हराया है। एंड उनके जो सारे वेटरन प्लेयर्स है या फिर एक्सपीरियंस प्लेयर है, नए साइनिंग से होरे परेरा डियास का ब्रेस आना, देन आपके राहुल बेके का गोल आना, सुनील छेत्री लेजेंडरी प्लेयर का गोल आना, सो 4-0 की उन्होंने धमाकेदार शुरुआत की है एंड अच्छा एक उनका मिक्सअप है एक्सपीरियंस एंड यंगस्टर का। सो आई थिंक एक्साइटिंग सीजन बीएफसी के लिए होने वाला है। लेट्स सी कितने टाइटल्स के लिए वो चैलेंज करते हैं, क्या वो शील्ड के लिए चैलेंज कर पाते हैं, क्या आईएसएल कप के लिए चैलेंज कर पाते हैं एंड इस दौरान कप में कैसे परफॉर्मेंस रहती है, आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। बीएफसी की बात की है तो ऑब्वियसली उनके आर्क राइवल्स केरला ब्लास्टर के बारे में भी बात करना बनता है, जो कि आज से अपना कैंपेन की शुरुआत कर रहा है एंड वो भी अपने एक एक्साइटिंग टीम के साथ आ रहे हैं, फर्स्ट टीम के साथ, जिन्होंने रिसेंटली थाईलैंड में एक प्रॉपर प्री सीजन कंप्लीट किया है। सो दे आर लुकिंग इन अ ग्रेट शेप। सामने है मुंबई सिटी एफसी उनके लिए एंड आई थिंक उनकी पूरी आप बोल सकते हैं कि यंग टीम है, बी टीम भी नहीं बोलेंगे, ये यंग टीम है उनकी। सो डेफिनेटली केरला ब्लास्टर आर दी फेवरेट्स इन टुडेस मैच एंड लेट्स सी किस तरह से अपने नए कैंपेन की शुरुआत अंडर दी मिचेल स्टार किस तरह से करते हैं न्यू कोच के अंडर, आई थिंक वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। नोहा सदोई एंड एड्रियन लूना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने के लिए फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। सो मज़ेदार मैच होगा, सामने यंगस्टर है सो आई थिंक चैलेंज शायद उतना ना मिले, बट डेफिनेटली इट्स एक्साइटिंग टू सी किस तरह की गेम स्टाइल नए कोच के अंडर केरला ब्लास्टर खेलती है, आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में एंड पंजाब एफसी ने भाई साइलेंटली कुछ बेहतरीन साइनिंग कर रही है और उसमें एक नाम और जुड़ चुका है, 31 ईयर ओल्ड नॉर्वेजियन स्ट्राइकर मुशागा बेकेंगा, जो कि करंटली साइप्रस की टॉप डिवीजन में खेल रहे हैं, उनको उन्होंने सिक्योर कर लिया है, ये स्पोर्ट किरा ने रिपोर्ट किया है। ऑलरेडी उन्होंने दो क्रोएशियन फॉरन प्लेयर को साइन कर लिया, डिफेंसिव मिडफील्डर फिलिप मेजेक एंड यहाँ पे सेंटर बैक इवान नोवोसलेक। सो आई थिंक एक्साइटिंग साइनिंग उनकी यहाँ पे फॉरेन कोटा में हो रही है, लुका मेचेन तो उनके पास है ही है, अब किरण कुमार लिंबू का ये लोग क्या डिसाइड करेंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आप फॉरेन कीपर के साथ इस साल भी जाने की गलती करोगे। आई थिंक आपको वहाँ पे उस कोटा को खाली करके कोई एक आपको डिफेंसिव मिडफील्डर तो आप लेके आए हो, तो अटैकिंग मिडफील्डर या फिर इस तरह का प्लेयर आई थिंक या फिर एक विंगर टाइप प्लेयर आपको ऐड करना पड़ेगा। सो उनका अगर फ्यूचर यहाँ पे वो साथ आगे सा कंटिन्यू नहीं करते देन यहाँ पे दो और फॉरेन साइनिंग होगी, अदरवाइज यहाँ पे मेरे को लगता है कि वो एक ही फॉरेन साइनिंग फिर आप कर पाएंगे। सो किस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है पंजाब एफसी का फॉरेन कोटा का, बट साइलेंटली उन्होंने इंडियन प्लेयर भी कुछ विनीत राय प्रिंस्टा रिबेलो और उन सब निंतोगमा मिते कुछ इंटरेस्टिंग प्लेयरों को साइन किया है, सो आई थिंक दे हैव बिल्ड अप ए वेरी गुड स्क्वाड फॉर दी अपकमिंग आईएसएल सीजन। दूसरी साइड नागालैंड के प्लेयर मेसिवी खेया, जो कि फर्स्ट नागालैंड के प्लेयर बने हैं जिन्होंने थाईलैंड की भाई लीग में अपना प्रो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और थाईलैंड के थर्ड डिवीजन क्लब थोंबुरी एफसी के लिए उन्होंने साइन किया है। सो दैट्स द हिस्टोरिकल अचीवमेंट फॉर अ नागालैंड प्लेयर कि जिन्होंने ये करके दिखाया है एंड वो पहले नागालैंड के प्लेयर बने कि जो थाईलैंड की लीग में प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिला है। सो लेट्स सी उनका आगे का करियर किस तरह से वहाँ पे डेवलप होता है। अब बात करते हैं वुमेन्स फुटबॉल की, क्योंकि वहाँ पे भी अब ट्रांसफर्स और आना स्टार्ट हो चुकी है जिया गाइस एंड ईस्ट बंगाल सिर्फ यहाँ पे अपनी मेंस टीम में फोकस नहीं कर रहा, वुमेन्स टीम में भी वो ट्रांसफर भाई विंडो में फुल्ली एक्टिव है एंड उन्होंने गोकुलम केरला के कोच एंथनी एंड्रयूज को रिकॉर्ड ट्रांसफर फी के साथ यहाँ पे साइन कर लिया है। सो भाई कोच के लिए भी आप देखिए कि वो लगातार कोशिश कर रहे थे उनको लाने के लिए फ्री ट्रांसफर में, बट बात नहीं बन पाई क्योंकि एक साल का कॉन्ट्रैक्ट उनका गोकुलम केरला में था। सो इवेंचुअली उनको ट्रांसफर फी पे करके लाना पड़ा एंड दैट्स द रिकॉर्ड ट्रांसफर फी गाइस। सो IWL एंड उसमें भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जो ISL में है कि भाई प्लेयरों को मतलब वुमेन्स फुटबॉल में नो डाउट पैसा मिलना चाहिए सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक ISL में जो हम अभी देख रहे हैं कि भाई इंडियन प्लेयरों को या फिर जो भी पैसा दिया जा रहा है वो उनकी क्वालिटी के हिसाब से या फिर इन्फ्लेटेड मार्केट के तरीके से ही दिया जा रहा है, सेम चीज़ आई थिंक धीरे धीरे IWL में भी होने लगी है एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो कोस्ट करेगा प्लेयरों के मोटिवेशन को एंड उनको कि भाई किस तरह से यहाँ पे वो आगे अपना करियर आउटसाइड इंडिया नहीं देख पाएंगे जैसे हमारे यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स का मेंस प्लेयर का जो सिनेरियो है। सो ये एक चीज़ है, बट एट द मोमेंट तो उन्होंने साइनिंग की है एंड नेक्स्ट सीजन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी टीम है उसको बिल्ड कर रहे हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी।
उसके बाद बात करते हैं रिसेंटली हम सबको पता है कि सराची ग्रुप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि हमने भाई राजस्थान यूनाइटेड को एक्वायर किया है। सो उसमें यहाँ पे लेटेस्ट एज पर दी मीडिया रिपोर्ट्स ये न्यूज़ आ रही है कि वो डील यहाँ पे कोल्ड ऑफ हो चुकी है। एंड जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद भी राजस्थान यूनाइटेड के जो ओनर से उन्होंने अपने लेटर हेड पे एक यहाँ पे फोटो शेयर किया था जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि भाई हमने अभी तक कोई यहाँ पे डील फाइनलाइज नहीं की है, पेपर साइन नहीं हुए हैं, डील फाइनल स्टेज में डिस्कशन में है, तो अभी तक कोई यहाँ पे राजस्थान यूनाइटेड एफसी का नेम चेंज और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो एट द मोमेंट ये खबर आ रही है कि भाई सराची ग्रुप अब यहाँ पे मोहम्मदन एससी में इन्वेस्ट करने वाले, क्योंकि मोहम्मदन एससी को भी इन्वेस्टर की जरूरत है, अदरवाइज उनका नेक्स्ट सीजन का आईएसएल खेलना यहाँ पे काफी ज्यादा डाउटफुल है। एंड रिसेंटली उन्होंने भी कोई इन्वेस्टर के साथ बात कर रहे थे तो वो बात नहीं बन पाई थी। तो अभी ये खबर आ रही है कि सराची ग्रुप मोहम्मदन एससी में इन्वेस्ट करेगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की वही खबरें है वो इधर से उधर कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो रही है। बट लेट्स सी इवेंचुअली फाइनली ऑफिशियली जब क्लब एंड इन्वेस्टर दोनों की ओर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आए तभी हम मान सकते हैं कि भाई ये डील डन हो चुके। तो एट द मोमेंट राजस्थान यूनाइटेड एफसी के लिए लगता है कि भाई डील कोल्ड ऑफ हो चुके हैं एंड नाउ सराची ग्रुप विल इन्वेस्ट इन द मोहम्मदन एससी। लास्ट में बात करते हैं भाई कैम्बोडियन क्लब अंगाकोर टाइगर एफसी जो कि जिसके इन्वेस्टर इंडियन इन्वेस्टर है, फॉर्मर चेन्नई सिटी एफसी के जो इन्वेस्टर है स्का स्पोर्ट्स, उन्होंने भाई यहाँ पे अपनी नेक्स्ट सीजन के लिए जर्सी लॉन्च की है जिसमें भाई स्पॉन्सर्स की आप देखिए कि टीवीएस जैसा स्पॉन्सर इंडिया का वन ऑफ द बड़ा यू कैन से कि टू व्हीलर मैन्युफैक्चर। एंड इट्स आप देखिए कि इससे आईएसएल आई लीग क्लबों को एग्जांपल लेना चाहिए जिस तरह से ये जो कैम्बोडिया के अंगाकोर हो गए या फिर बाकी क्लब्स भी जिस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पे लीग को प्रोफेशनली मैनर में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश होती है। आप देखिए क्लब्स अपने जर्सीज को लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को बुला के उनको डिज़ाइन करवा रहे हैं, इस तरह के स्पॉन्सर ला रहे हैं। भाई इतना आप देखिए कैम्बोडिया छोटा कंट्री है और उसके एक क्लब के लिए आप स्पॉन्सर आप देखिए उनके शर्ट्स पे भाई भर भर के हैं और हमारे यहाँ पे केरला ब्लास्टर के सिवाय किसी भी आईएसएल क्लब को भी भाई स्पॉन्सर नहीं मिलते। सो आई थिंक इन सारी चीज़ों के बारे में आईएसएल क्लब को एंड इवेंचुअली आई लीग क्लब को भी सोचना पड़ेगा, अदरवाइज फाइनेंशियल लॉस में जिस तरह से क्लब्स चल रहे हैं एट द मोमेंट आप देखिए आई लीग ISL एंड इवन आई लीग 2 में भी काफ़ी सारे ऐसे क्लब है कि जो मतलब लगातार इन्वेस्टर एक इन्वेस्टर आएगा उनसे पैसा लेगा खत्म हो जाएगा दूसरा इन्वेस्टर की तलाश करेंगे, वो सस्टेनेबिलिटी आप कभी नहीं हासिल कर पाएंगे। सो इस तरह के जो क्लब है अंगाकोर टाइगर एफसी की जहाँ पे इंडियन ओनर्स आप देखिए कि बढ़िया काम कर रहे हैं सो आई थिंक उनको आई थिंक आपको देखना पड़ेगा। इस तरह के जो आसियान के काफ़ी सारे ऐसे क्लब्स एंड वो है कि जो एक अच्छे प्रोफेशनल मैनर में डेवलप हो रहे हैं उनकी उनकी प्रायोरिटीज़ भी आप देखिए कि बढ़िया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फर्स्ट टीम के ऊपर खर्चा करना है, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग टू बिल्ड ट्रेनिंग फैसिलिटीज स्टेडियम्स। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक कहीं ना कहीं अब नेक्स्ट स्टेप में आईएसएल क्लब्स को सोचनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पर लॉन्गर रन के लिए रहना चाहते हैं, अदरवाइज इवेंचुअली हमको पता ही है कि क्या एंड रिजल्ट होने वाला है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करो सरी। जय हिंद जय भारत।